उपस्थित हुई है। यहाँ हम लोग जो है अपने जिले की समस्याओं को लेकर के, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस कार्य के लिए हम लोग जाते हैं स्कूलों में, उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता समय से, उसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए माननीय कलेक्टर मोदी जी को हम उससे मिलकर के कहेंगे हैं कि हमारा जल्द से जल्द बेहतर निराकरण किया जाए, और यदि नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम जो है अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर के और स्कूलों के सामने। हाँ सर, आप भी अतिथि शिक्षक हैं जी, आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी सर ये है कि मैं संकुल पहाड़ी में कार्यरत हूँ, वर्ग 2 में हाई स्कूल परसमनिया में, और मार्च 2018 अप्रैल 2018 और जुलाई से अभी तक का वर्तमान तक एक भी हमें पैसा नहीं मिला। सैलरी जो मिलने की कई बार शिकायत भी की गई, प्रचार के बाबू को सबको बताया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और यही बस कह देते बजट नहीं है, और हमारी इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि हम इसका कर्जा लेकर उसका कर्जा लेकर के अपना किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। इन समस्याओं को हम जल्दी जल्दी हम यही निवेदन करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए, नहीं हमें मजबूरन में विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन या आंदोलन करना पड़ेगा, या ताला लगाना की जरूर लगाने की जरूरत पड़ी तो भी लगाएंगे। आप कहाँ से हैं मैडम, आपकी क्या समस्या है? मैं सुमित्रा साहू हूँ, सतना जिले से हूँ। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर पढ़ाने जाती हूँ, और विगत मेरा 2018 मार्च का भी पैसा नहीं मिला है, और अभी जुलाई से 10 जुलाई से मैं काम कर रही हूँ। आज कहने को कहा जाए तो आज दिनांक जनवरी समाप्त होने को आ रही है, और मुझे आज तक वेतन नहीं मिला, इसीलिए मैं आज कलेक्ट्रेट आई हूँ, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दी हूँ। और मैं तो इतनी परेशान हूँ, मेरे भी किराया बहुत ज़्यादा लगती है, अगर मेरा दिनांक 10 दिन के अंदर अगर मेरा वेतन नहीं मिलता तो मैं कलेक्टर साहब के सामने ही अपना धरना दूंगी, आमरण अनशन दूंगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगी, और मेरे भाई बहनों का वेतन जल्द से जल्द मिल जाए। मैं यही आग्रह करती हूँ, आप सब हमारा संदेश मीडिया के माध्यम से पहुँचाइए, ताकि हम लोगों की जो स्थिति है वो कम से कम जो कम मिलता है वेतन, तो हमें टाइम से वेतन मिल जाए, जिससे हमारे बच्चों की जो फीस है परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, बच्चों की कल से पेपर है और उनको प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, मेरा भविष्य बिगड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही आसन है कि हम कलेक्ट्रेट के सामने और कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपना धरना देंगे, जैसे भी हमारे